दोस्तों आज मैं आपको SBI नेट बैंकिंग स्टेप बाय स्टेप चालू करना बताऊंगा। यदि आपके पास SBI नेट बैंकिंग है तो आप बैंक संबंधित सभी कार्य घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट बैंकिंग चालू करने के लिए बैंक वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसको आप ओपन कर लेंगे या आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में गूगल में सर्च करेंगे। SBI लॉगिन सर्च करने के बाद आपको retail.onlinesbi.com वेबसाइट मिलेगी, इसको आप ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपको पर्सनल बैंकिंग का पेज मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा, इफ़ यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन प्री प्रिंटेड किट फ्रॉम द ब्रांच, यदि आपको ब्रांच के द्वारा प्री प्रिंटेड किट मिला हुआ है तो उसमें जो ID पासवर्ड दिए हैं उनको आप यहां पर डालकर नॉर्मली लॉगिन कर सकते हैं। या आप नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना है तो यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप ओके दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पहले से सिलेक्ट है, इसको यहीं सिलेक्ट रहने देंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और नीचे CIF नंबर आपको बैंक की पासबुक में अकाउंट नंबर के जस्ट ऊपर मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पर डालेंगे CIF नंबर को। इसके बाद आप ब्रांच कोड डालना है, यहाँ पर ब्रांच कोड भी आपको बैंक की पासबुक मिल जाएगा। या आप यहाँ पर गेट ब्रांच नेम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ब्रांच कोड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है आपको, आपको जो आपने बैंक में दिया हुआ नंबर मोबाइल नंबर वो डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे फैसिलिटी रिक्वायर में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, वन टाइम पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिलेगा जो आपने अभी डाला है वो, और उसके बाद आपको OTP यहाँ पर डालना है और सबमिट कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक I have my ATM card और I do not have my ATM card। यदि आप ATM कार्ड द्वारा इसको नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ATM कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या आप ब्रांच द्वारा एक्टिवेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। मैं आपको अभी ATM कार्ड द्वारा एक्टिवेट करना बताता हूँ। इस पर यहाँ पर टिक लगाएंगे फर्स्ट नंबर वाले पे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको ATM कार्ड नंबर मिल जाएगा, आपका आपका नाम मिल जाएगा, जो आपका ATM चालू है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना ATM कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया मैंने, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ATM कार्ड में जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो यहाँ पर मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, और आपका ATM कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर डालना है, और पिन कोड डालना है। पिन कोड वही पिन कोड डालना है जो आप अभी ATM से पैसे निकालते हैं, वो पिन कोड डालेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और शीट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप अपना यूजर नेम बना लेंगे। यूजर नेम कुछ इस तरीके से बनाना है जो मैंने डिस्प्ले पर स्क्रीन पर दिया दिख रहा है, उस तरीके से अपना यूजर नेम बना लेंगे। और नीचे आप यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड भी स्क्रीन पर दिखाया गया पासवर्ड के जैसे अपना पासवर्ड बना लेंगे और कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड वाले बॉक्स में भी वही डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग, आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया है नेट बैंकिंग के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से अब आप यहाँ पर जो आपने अभी नेट बैंकिंग के ID पासवर्ड बनाए हुए हैं, यूजर नेम पासवर्ड, उनको यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड को OTP को यहाँ पर डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका सेट प्रोफाइल पासवर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड के जैसा ही आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना लेंगे, कुछ अलग बनाएंगे। इसके बाद कन्फर्म में भी अपना पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हिंट क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पर आंसर डालेंगे। क्वेश्चन और आंसर आपको याद करके रख लेना या नोट करके रख लेना आपको।
पासवर्ड को नोट कर लेंगे आप, जब भी आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाएंगे जब ये लगेगा आपको। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से डल रहेगा यहाँ पर, वो बर्थ प्लेस आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज मिल जाए आपको। इसके बाद आप गो टू अकाउंट समरी पेज पर जाएंगे तो आपका नेट बैंकिंग ओपन हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप अपना नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग पहले से है, यदि आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, जिससे आप अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, या आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, उसका भी मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको आप ओपन करके अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको वापस फॉरगेट कैसे करना है, इसका मेन वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसका वहां से आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।